और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस पर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा हमला बोला है। तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस पार्टी, अमित शाह ये कह रहे हैं। कई साल तक कांग्रेस ने भगवान राम को ताले में रखा, कांग्रेस को बजरंग बली के नाम से परहेज है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कर्नाटक की जनता इसका जवाब देगी, चुनाव में इसका जवाब कांग्रेस को मिलेगा। ये गृह मंत्री की ओर से तमाम बातें कही गई है। तो कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस का मैनिफेस्टो सामने आने के बाद बवाल मचा हुआ है। बजरंग दल को बैन किए जाने की बात पर कैसे बीजेपी हमलावर है, गृह मंत्री अमित शाह को सुनिए। बजरंग दल को बैन करने की बात कही गई है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस सालों से एपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर रही है। पहले उन्होंने सालों तक भगवान श्री राम को ताले में रखा और अब उनको बजरंग बली के नाम से भी परहेज है। मुझे लगता है कर्नाटक की जनता इसका जरूर जवाब दे।